इंद्राय राधिकाय इष्टदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो क्या चक्कर है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद ठीक है बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 और एक बार जोर से बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्रीधाम ब्रज मंडल परिक्रमा करते करते अभी जिस वन में उपस्थित हुए हैं इसका नाम मधुवन। अभी अभी महाराज जी बता रहे थे यहाँ पर 12 वन हैं, लेकिन 12 वन में जो सबसे जो मुख्य सबसे जो प्रथम वन कौन सा है, कहते श्री मधुवन है। मधुवन बोले क्यों, बोले विश्व ब्रह्मांड मधु के लिए ही तरसते हैं, सारा दुनिया आनंद चाहते हैं इसलिए, लेकिन वो आनंद स्वरूप कौन है, बोले रस वैषम रसम जवायाम लब्ध्वानंद भवती, बोले जो रस स्वरूप है वो स्वयं भगवान कृष्ण ही, ये पूर्ण रस स्वरूप भगवान कृष्ण है। इसलिए श्री बल्लभाचार्य हैं वो कहते हैं बोले अधरंग माधुरं बादनंग माधुरं नयनंग माधुरं हसितंग माधुरं हृदयांग माधुरम गमनांग माधुरम माधुराधिपते राखिलांग माधुरम। इसलिए श्री बल्लभाचार्य संपूर्ण एक मधुराष्टक रचना की है, बोले कृष्ण का सब कुछ उनका मधुर मधुर है, देखना चलना बोलना सुनना सभी मिठाई मिठाई है, है? इसलिए उनको मधु इसलिए वो मधुर मधुबन है, यही पर उन्होंने मधुर मधुर लीला किया है। इसलिए जो असली जो मधु है कहते कौन सा असली मधु है, इसलिए श्री बिल्लो मंगल कहते हैं जगत में जिनको मधु कहते हैं, हैं अगर राधा कृष्ण का प्रेम मधु अगर एक बूंद आस्वाद न हो वो साथी माधी का चिंता न भवती सर करे कर्क सासी। अगर राधा कृष्ण का प्रेम मधु अगर एक बूंद किसको आस्वादन हो जाए कहते हैं सरकरे तुम तो कर्कस हो गया है, तुम तो कड़ुआ बन गए। हे अधरामृत, अधर मतलब जगत में स्त्री के अधर को ही सबसे श्रेष्ठ अधर अमृत मानते हैं, बोले धरा मृत मसी बोले तू मर जा तेरे को कोई पूछने वाले नहीं, बोले द्राक्षा द्राक्षसी कहते जो अंगूर रस को वो सर्वश्रेष्ठ रस कहते हैं, बोले तेरे तरफ में और कोई देखने वाले नहीं, बोले अमृत मृतम असी अमृत तू मर जा, बोले क्यों, बोले राधा कृष्ण का जो मधुर है राधा कृष्ण का जो मधु प्रेम है वो अभी आस्वादन का विषय हो गया, इसलिए ये स्थान का नाम है मधुवन। अभी महाराज जी कह रहे थे विशेष करके भगवान की तीन विशेष मधु है, हैं एक है उनको सख्य रस की मधु, एक है बात्सल रस की मधु और एक है श्रृंगार रस की मधु। यहाँ पर जितने सारे मधु है यहीं पर ही उनका सारे मधु रस आस्वादन किए, इसलिए पहला जो मधु है कहते सख्य रस की मधु, यहीं पर कृष्ण सखाओं को साथ में कृष्ण यहीं पर गैया चराने के लिए यहीं पर आया करते थे। ये जो सरोवर आप लोगों ने देखा इसका नाम भी मधु सरोवर है, इसी सरोवर में सुंदर सुंदर चार तरह का कमल का फूल खिला करता था, रक्त कमल श्वेत कमल नील कमल हैं तरह तरह का कमल, और यहीं पर सखा लोग गैया को चरा चरा करके यहीं पर आते थे, बोले चू चू मतलब जाकर के पानी पियो, नीरी नीरी हैं जाकर के पानी की तरफ जाओ, धीरे धीरे बोले धीरे 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 चलो, ऐसे अस्फुट मधुर शब्दों के द्वारा इसी सरोवर में उन्होंने पानी पिलाया करते थे। इसलिए कृष्ण जब सखाओं के साथ में यहीं पर उन्होंने गैया चराने के लिए आई ब्रज गोपियां दिव्य भाव से उनका रूप का वर्णन करते थे, बोले बराहा पीड़म नटवर बपुहो करनयो कर्णिकारम विप्रत बास कनक कपिशयम वैजयंती जमालम
Randhana Venuradhar Sudaya Purayana Gopa Vrindai Vrindairanam Swapadaramanam Pravisastat Gita Kirti. गोपियां दिव्य भाव से वेणु गीत में कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन करते थे। आप लोगों ने अभी सुना द्वापर युग में हैं कृष्ण यहीं पर गया चराने के लिए आए थे। सूरदास भी ये बात को प्रमाणित किया है। इसलिए जब कृष्ण घर घर में मक्खन चोरी करते थे, एक दिन मैया ने कहा, लाला लगता है तेरा शादी होना बड़ा कठिन। बोल किया शादी नहीं होगी सारा दुनिया, तो हम नौकरी चाकरी क्यों करते हैं, पैसा क्यों कमाते, घर क्यों बनाते शादी के लिए। बोले मेरी शादी नहीं होगी। हाँ? इतने में कृष्ण ने देखा, बोले कैसे शादी होगी, बता कैसे नहीं होगी। बोले पूरा ब्रज में हला हो गया, तू घर घर में मक्खन चोरी करता हो, ये बताओ चोर को कोई अपना बेटी देगा, लगता है तुम कुमार का कुमार रह जाओगे। कृष्ण ने कहा भैया बड़ी गड़बड़ी हो गया। कृष्ण ने सोचा ऐसे मैया को मैं एग्जाम्पल दू ना, मैया पूरा का पूरा विश्वास हो जाए मैंने मक्खन चोरी नहीं की। इसलिए श्री सूरदास जी अब प्रभु जो भजन जगा रहे थे ना, बोले मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, भोर भयो मक्खन चोरी कब की। बोले मैं बालक बहियन को छोड़ो काही कहाँ ऊपर में मक्खन रखते हैं, मेरा हाथ कैसे पहुंचा। हाँ मेरा हाथ कैसे पहुंचा। इतने में बोले तेरे मुंह में जो मक्खन लगा हुआ रहता है। बोले मैया क्या बताओ, ये जो सखा लोग है ना, खुद तो मक्खन खाते हैं और जोर जबरदस्ती मेरे मुंह में लगा देते हैं, तो बड़ी भोली भाली हो, इनके बातन में बड़ी जल्दी आ जाती है। हाँ? लगता है मैं तेरे लाला है ही नहीं, किसने मेरे को जन्म देकर कहीं फेंक कर चला गया था और तुमने उठा करके मेरे को यहाँ पर पालन कर रहे हो। बस इतना बोलते ही मैया का हृदय एकदम पिघल गया। इतने में मैया कन्हैया को अपना गोद में भर लेती है। जब भर लेती है फिर कृष्ण उसको बदला देते हैं। बोले मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन। इसलिए झट बदला देते, इसलिए ये लीला यहीं पर हुई। कहती ये द्वापर युग की लीला है, कहते भगवान त्रेता युग में जो लीला की है, कि त्रेता युग में भगवान यहीं पर आप लोग ने श्रवण कर रहे थे, कैसे कृष्ण यहाँ पर कैसे शत्रुघ्न ने कैसे यहाँ पर उन्होंने लवणासुर को कैसे वध किया। जिस समय लवणासुर ने सारा दुनिया में टहलका मचा दिया था, टहलका मचा दिया था, ऋषि आप लोग श्रवण की, इसको पास में त्रिशूल था, शंकर जी का वरदान था, जब तक तुम्हारे हाथ में ये त्रिशूल रहेगा तुमको कोई दुनिया में नहीं मार सकते हैं। ऋषियों ने रामचंद्र से प्रार्थना की। इतने में शत्रुघ्न स्वयं बोल पड़ा, बोले प्रभु ये सेवा मेरे को दिया जाए, क्योंकि लक्ष्मण आपको साथ में सारे जंगल में सेवा की, हमारे भरत भी उसी समय में जटाजुट धारण करते हुए उन्होंने आपका भी सेवा अयोध्या में की, केवल मुझे ही कोई सेवा की दायित्व नहीं दी गई, इसलिए ये सेवा का दायित्व मैं करूंगा। उन्हें स्वयं राजी हुए, लेकिन रामचंद्र को पता है उसको हाथ में त्रिशूल है, जब तक त्रिशूल उसको कोई नहीं मार सकते है। उन्होंने उपाय भी बता दिए, बोले जब वो बाहर जाता है, हाँ शिकार के लिए उसी समय त्रिशूल नहीं रहता है, जब जाए उसी समय उसको ललकारना और अंदर में घुसने मत दिया करना। और रामचंद्र एक विशेष बाण प्रदान की, बोले जब किसी तरह से तुम उसको साथ में जीत नहीं पाओगे, लास्ट में ये बाण को तुमने प्रयोग किया करना। यहीं पर शत्रुघ्न जी उनको यहीं पर उन्होंने वध किया था, इसलिए ये स्थान भी त्रेता युग में भी यहाँ पर लीला हुई। बोले सत्य युग में, बोले सत्य युग में आप लोगों ने श्रवण किया है,
यहाँ पर से ध्रुव जी की टीला है यहाँ पर, इसको बाद में हम ध्रुव टीला जाएंगे वहीं पर, और यहीं पर श्री दुर्वासा जी हैं, यहीं पर सत्य युग में यहीं पर श्री अम्बर सिंह महाराज और पत्नी को साथ में यहीं पर आए और उन्होंने एकादशी व्रत रखते थे। जैसे दुर्वासा जी नियम है दूसरा दिन किसी साधु को भोजन करा के फिर व्रत खोलनी चाहिए, उस इतने में भगवत इच्छा से दुर्वासा जी आ गए। अम्बरीश महाराज तो प्रसन्न हो गए, अहो भाग्य है साधु आए, इनके भोजन करा के आज हम व्रत पालन करेंगे, बोले हम नहाने के लिए जा रहे हैं। जब नहाने के लिए गए इतने में जो व्रत खोलने का जो समय वो धीरे 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 निकलते हुए जा रहा था, इतने में उन्होंने ब्राह्मण से परामर्श को लेकर के तब उन्होंने केवल उन्होंने चरणामृत थोड़ी सी केवल जल ही ग्रहण किया, इसलिए जल को भोजन नहीं कहते हैं। इतने में दुर्वासा जब आए वो तो साधारण थे ही नहीं, हाँ वो तो बड़ा जोगी थे, वो शंकर जी का प्रकाश है, उन्होंने जान लिया इसने मेरे को बकर खिलाए, उसने व्रत को खोल दिया। इतने में इतना क्रोध आया, उन्होंने जटा को उखाड़ करके पटक दिया, वहां पर एक कृत्या प्रकट हो गई, बोलिए दुष्ट को मार लो। इतने में जब कृत्या गई मारने के लिए, लेकिन अम्बरीश महाराज ये भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त है, हाँ शुद्ध भक्त होने का नाते वो एकादश इंद्रियों को द्वारा बोले सबई मन कृष्ण पदार विंदयो बाचा सिवई को गुणानु वर्णने, वो एकादश इंद्रियों को द्वारा वो कृष्ण भजन करते थे, कृष्ण सेवा करते थे, उन्होंने राज्य पालन करने के लिए कोई कोशिश नहीं करते थे। राजा होते हुए भी 24 घंटा में 24 घंटा भगवत कथा सुनना, कीर्तन श्रवण कीर्तन में संपूर्ण इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाकर रखते थे और राज्य शासन दूसरों को द्वारा कराया करते थे। तब यहाँ प्रश्न करते हैं फिर राज्य चलता था कैसे, इन रक्षा कैसे होता था, बोले भगवान स्वयं सुदर्शन चक्र इनके लिए भेजा था, सुदर्शन चक्र संपूर्ण राज्य को वही पहरादार सुदर्शन चक्र देता था। जिस समय कृत्या आए, लेकिन ये तो भगवत शरणागत है, इतने में हाथ जोड़ कर खड़े हो गए, राखे हरि तो मारे के और मारे हरि तो राखे के, जाके राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जन जग बैरी होई। हाँ वो शरणागत भक्त में एक लक्षण है रक्षिसती थी विश्वास, भगवान के ऊपर में पूर्ण विश्वास रहता है। इतने में वो हाथ जोड़ कर खड़े जब हुए, इतने में सुदर्शन चक्र प्रकट होकर के पहले तो कृत्या को मारा, उसको बाद में उसको पीछे दुर्वासा जी को पीछे पीछा किया, पहले उन्होंने ब्रह्मा जी को पास में गए, ब्रह्मा भी रक्षा नहीं किए, शंकर जी को पास में गए, शंकर जी को गुरु है वो सोच रहे थे जरूर शंकर रक्षा करेंगे, शंकर भी उनको रक्षा नहीं किए, बोले जाओ जिनका चक्र उनको पास में जाओ। उसको बाद में दुर्वासा धिकार देते हैं, इतने मेरे में ब्रह्म ज्ञानी, इतने जोग मेरे अंदर में, ये एक साधारण गृहस्थ है लेकिन भगवत भक्ति में कितने शक्ति, यहाँ पर उन्होंने स्वयं उन्होंने देखा शरणागत भक्ति में कितने शक्ति होता है। लास्ट में उन्होंने गए बैकुंठ में गए, जब बैकुंठ में गए तो भगवान कहते हैं बोले अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र इव द्विज साधुवी ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जन प्रिय, बोले मेरे पास में माफी मांगने के लिए आए ना, लेकिन अहम भक्त पराधीन मैं तो भक्तों का अधीन हूँ। तब यहाँ पर कहते हैं आप जो भक्त का अधीन है, भक्त थोड़ी चाहते हैं आप भगवान के अधीन बनो, भक्त थोड़ी चाहते हैं भगवान आपका अधीन बने, लेकिन आप तो अपने आप भक्त का अधीन बने हुए हो, लेकिन आप तो स्वतंत्र है, लेकिन भगवान कहते नहीं मतलब यह स्वतंत्र, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं संपूर्ण भक्तों का प्रेम में बसीभूत हूँ। बोले क्यों भक्तों का प्रेम में क्यों बसीभूत हो, बोले इसलिए मैं बसीभूत हूँ इन लोग ने मेरे लिए तारा पुत्र परिवार सारा दुनिया को ठोकरा करके ये मेरे शरण लिए हैं और इनकी हृदय इतने महान है, अगर ये दुनिया की कोई भी वस्तु देना चाहता हूँ बोले न धनम न जनम न सुंदरी कविता व जगदीश काम है मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवता भक्ति अहि तो की तो ही। जगत का ना धन पुत्र परिवार कुछ नहीं चाहते हैं, यहाँ तक भी न नाक प्रेष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम, स्वर्ग देना चाहता हूँ नहीं लेना चाहते हैं, मैं ब्रह्मलोक देना चाहता हूँ नहीं लेना चाहते हैं, यहाँ तक तो मुक्ति लोग भी लेना नहीं चाहते हैं,
केवल मेरे विरह को प्रार्थना करते हैं। ऐसे जो भक्त हैं, बताओ ऐसे भक्तों को मैं कैसे त्याग दे सकता हूँ, मैं इनको कभी भी त्याग नहीं दे सकता हूँ। इसलिए कृष्ण स्वयं कहते हैं, न तथा मैं प्रियतम आत्म ज्योतिर न शंकर नैव श्री नैव आत्मा जथा भवान। मेरे भक्त इतना प्रिय है, मेरा पुत्र शंकर स्वयं, बलदेव स्वयं, पत्नी में भी मेरा इतना प्रिय नहीं, मेरे भक्त जितने प्रिय है, इसलिए मैं भक्तों को कभी मैं त्याग नहीं दे सकता हूँ। तो वो श्लोक में कहते भक्त ही भक्त जन प्रिय, बोले भक्त की बात तो छोड़ दो, लेकिन ये भक्तों का जो भक्त है ना, उनको भी मैं त्याग नहीं दे सकता हूँ। क्योंकि कहते ना, यदि हैताम वैष्णव की हैताम कुकुर एंठो दिया तराई तो वैष्णव ठाकुर, कहते अगर भक्तों घर में अगर कुत्ता भी बन जाए ना, कहते वैष्णव लोग जो प्रसाद पाएंगे क्या करेंगे, ठाकुर को देंगे वैष्णव, पर जो फेंक दे तो कुत्ता भी वो प्रसाद पाता है। इसलिए भगवान कहते उसका जो भक्तों का जो भक्त है ना, उनको भी भगवान नहीं छोड़ सकते, इतने प्रिय है। इसलिए लास्ट में उन्होंने बोले अम्बरीश के पास में जाओ, क्योंकि प्यार में कांटा चुभेगा तो सर पर नहीं निकलेगा। फिर लास्ट में उन्होंने अम्बरीश महाराज को शरण में आते हैं, देख कर अम्बरीश महाराज चक्र को उन्होंने शांत किया, फिर उन्होंने माफी मांगी। तो उन्होंने कहा, भैया आज मैंने भक्तों का महिमा को दर्शन किया, भक्तों की कितनी महिमा। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लीला, संपूर्ण ये स्थान कृष्ण लीला के द्वारा अभिषिक्त स्थान है। इसलिए हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में यहाँ पर आए, यहाँ पर चरण धूल से हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ चरण धूलि लगाते हैं। भगवान जो यहाँ पर लीला की है, एक दिन वो लीला हमारा हृदय में प्रकट हो और हृदय के सारे अनर्थ हमारे दूर हो जाए। वंशाकल दुर्भश्च कृपा सिंधु भय बच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।